हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज किचन। गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल का अचार। कटहल का अचार वैसे कई तरीके से बनता है, आम के साथ भी मिक्स करके बनता है, नींबू के साथ भी मिक्स करके बनता है, बट आज का जो अचार बनने वाला है वो प्योर कटहल का बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कटहल के अचार की रेसिपी। तो गाइस, अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले कटहल चाहिए। अच्छी क्वालिटी का कटहल आप बाजार से मंगा लें, जैसे कि मैंने ये लगभग 1.25 किलो है, देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है कटहल। तो सबसे पहले हमें इसे कट करना है। अचार बनाने के लिए हमें प्री मेच्योर कटहल चाहिए, बहुत ज्यादा पके हुए कटहल नहीं चाहिए। कट करने के बाद अब हम इसे सबसे पहले पील करेंगे। इससे पहले मैं अपने हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाऊंगी। तो थोड़ा सा सरसों का तेल मैं सबसे पहले अपने हाथ में लगाऊंगी और इस थाली में भी लगाऊंगी, क्योंकि कटहल का जो दूध होता है वो इसमें चिपक जाता है, और चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ में भी लगाना बेटर रहता है। इससे जो होती है इसकी सफाई करना, क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने सब जगह तेल लगा लिया है और अब हम इसको पील करना शुरू करेंगे। सभी कटहल को मैंने छिलकर तैयार कर लिया है और अब हम बनने से पहले इसे एक बार वॉश करेंगे। अब हम 2 लीटर पानी उबलने के लिए चढ़ाएंगे। पानी जब अच्छी तरह से उबलने लगे तब आप कटहल के सभी पीसेस इसमें डाल देना है। 1/2 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हम हींग भी ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 4 चम्मच, पिसी हुई राई मैंने 2 चम्मच ले लिया है, देगी मिर्च मसाला 2 चम्मच, विनेगर मैंने 1 कप लिया है, स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल करेंगे। अचार को हम सरसों तेल में बनाएंगे, सरसों तेल में ही अचार बनाना चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उबलते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है और इसे हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, हमें केवल 60% ही कुक करना है। तो अब हम इसका गैस ऑफ करेंगे और पीस जो है तैयार हो चुका है, सभी पीस को इस पानी से निकाल लेंगे। उबालने के बाद हमें थोड़ी देर इसे धूप में सुखाना है, क्योंकि हमने इसे पानी में उबाला है तो इसके ऊपर जो पानी है वो सूख जाए, इसीलिए हम इसे धूप में सुखाएंगे। पोलोथीन का एक शीट बिछा दिया है और इसके ऊपर इन पीसों को रखते जाएंगे। सबसे पहले इन खड़े मसालों को हम गरम करेंगे। मसाले भूनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप सरसों का तेल, यानी कि 1/2 लीटर सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। हींग को अच्छी तरह से पकने दें, और जैसे हींग पक जाता है तो इसका कलर भी आप देखेंगे डार्क हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है, तो इस वक्त हमें गैस को ऑफ करना है। अब देखिए गाइस, ये ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे। अब देखिए गाइस, ये हल्का ठंडा हो चुका है, तेल अभी भी गर्म है, तो इस वक्त हम सबसे पहले हल्दी डालेंगे, फिर लाल मिर्च, अब हम राई डालेंगे, धनिया पाउडर, कलौंजी, तैयार किया हुआ अचार का मसाला। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पहले हम 3 चम्मच नमक डालेंगे और फिर चेक करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप विनेगर। अब गाइस, आप देख सकते हैं कि कटहल सूख चुका है, इसको हमने पानी में उबाला था तो वो वाला पानी जो है इसका सूख चुका है। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसों में कट करेंगे।
तो सभी कटहल को मैंने काट लिया है, देख सकते हैं कितना छोटे छोटे पीसेस बनाया मैंने। इसी तरह से आपको भी छोटे छोटे पीस बनाना है ताकि इसे सर्व करना आसान हो। तो अब हम इसे उठाकर तैयार किए हुए मसाले में ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा नमक और मिर्च चेक करेंगे। नमक थोड़ा कम लग रहा है तो एक चम्मच नमक मैं इसमें और डाल रही हूँ। मिक्स करने के बाद अचार को हमें धूप में भी रखना है, तो एक कांच का मैंने बाउल ले लिया है स्क्वायर में, और इसमें अचार को डालेंगे। अब हम इसे उठाकर धूप में रखेंगे। एक कप सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखेंगे, तो ये मेरा हाफ कप है तो इसलिए मैं इसे दो कप ले रही हूँ। इस बार तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करेंगे। तो यह हल्का गर्म हो चुका है तो गैस ऑफ कर देंगे। अचार को सुखाते हुए बीच बीच में हमें दो तीन बार मिक्स करना है, यानी एक दिन में दो से तीन बार आपको इस तरह से मिक्स करना है ताकि ऊपर से अंदर तक सभी पीसेस में धूप लग सके। अब गाइस देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, और अभी हमें इसे और सुखाना है, लेकिन हम पहले इसे जार में डाल लेते हैं। गाइस अचार को रखने के लिए हमें एक कांच का जार चाहिए, तो मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा भी लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी लगा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस अचार को इसमें डालेंगे। तो गाइस अचार को सूखने के बाद मैंने इसे चेक किया है तो मिर्च नमक तो ठीक है, लेकिन इसकी खटास थोड़ी कम है, तो मैं आधा कप विनेगर और डाल रही हूँ। तेल गरम किया हुआ है बट अभी भी यह हल्का गरम है। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गरम तेल इसमें ना डालें, नहीं तो आपका जार जो है क्रैक हो सकता है। तो अब हम इसके ऊपर से तेल डालेंगे, पूरा एक कप तेल डाल देंगे। अचार धीरे धीरे इस तेल को सोख लेगा। तेल इसमें डाल दिया है, देख सकते हैं ऊपर तक तेल भरा हुआ है। थोड़ी देर हम इसे रूम में ही रहने देंगे, धीरे धीरे ये तेल सोख लेगा। इसके बाद हम इसे उठाकर धूप में रखेंगे। गाइज अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।